वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मधमहेश्वर ट्रिप के लिए और काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे इस ट्रिप के लिए, बट बार बार प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था। और आज हम लोग फिर से एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर अभी खड़े हैं, ऋषिकेश से आई थिंक 20 किलोमीटर आगे अभी हम लोग हैं बयासी में, और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जाएंगे श्रीनगर के लिए और वहाँ से फिर आगे का सफ़र रहेगा। तो मैं पूरी अपडेट आपको रास्ते में देता रहूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। Basically, he came from Netherlands, and I'm proud of you, my boy, my son. हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और ये भगीरथी और अलकनंदा का संगम है। यहाँ से हम लोगों को सीधे निकलना है श्रीनगर के लिए और श्रीनगर से हम लोग आगे जाएंगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से उखीमठ। हम लोगों ने उखीमठ से रांसी विलेज के लिए अब टर्न ले लिया है। उखीमठ के बाद जो रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है और सामने व्यू देखिए पूरे पहाड़ों का, कितना सुंदर यहाँ से दिख रहा है। उखीमठ तक का जो रास्ता है वो काफ़ी स्मूथ है, बट उसके बाद आपको रोड थोड़ी सी ख़राब मिलने वाली है। ये देखिए बहुत सारी जगह पर आपको इस तरह से रोड काफ़ी ख़राब मिलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से चलें। तो इस जगह का नाम है अगतोली धार और रांसी विलेज के ठीक 2 किलोमीटर बाद ही जगह है। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक आपकी गाड़ियाँ जाती हैं, इससे आगे हमें ट्रैक करना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है अगतोली धार में, आप यहाँ पर अपना खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान बैग में कैरी कर सकते हैं। पर हमारी बाइक्स हैं और वहाँ से थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है श्री मधमहेश्वर पैदल मार्ग। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लोर विद मनी को भी देखिए और वहाँ पर भी ब्लॉग्स आते रहते हैं मज़ेदार। आजा दोस्तों, ये ट्रैक बहुत ही कमाल का है और अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का और कंप्लीट कर लिया है और हम लोग अब 1 किलोमीटर के बाद गोंडार पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं गोंडार रुकते हैं नाइट में या उससे आगे जाते हैं हम लोग, 2-3 जगहें और हैं उससे आगे, अगर हम वहाँ तक पहुँच पाएँ तो हमारे लिए कल के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इस रूट पे आके ट्रैक कर रहे थे और सडनली देखिए हमें एक इतनी बड़ी सी गुफा मिल गई है। तो कभी बारिश वगैरह हो तो इसके नीचे आराम से आप रुक सकते हो। ये देखिए इसके अंदर लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ है, तो यहाँ से चूल्हा वूल्हा बना के आप आराम से अपना एमरजेंसी में यहाँ पर रुक सकते हो। कल्याण होवच यार, कितनी खूबसूरत जगह पर है ये मंदिर। नानू नानू तक पहुंचते भाई आज ये देखो ये इसे कहते जुनून मंदी भाई, नहीं भाई मंदी मंदी मधमहेश्वर वाला भाई मंदी हो जाए हैं। अरे यार मंदी नाक कटवा दी तूने मतलब हैं। तो दोस्तों ये है
गोंडार गांव, ये देखिए। और यहाँ से अब मधमेश्वर 10 किलोमीटर और 300 मीटर और दूर है, 10.3। बहुत ही खूबसूरत गांव है, देखिए नदी के किनारे है बिल्कुल। और यहाँ पर आपको रहने के लिए होम स्टे वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। बंटोली तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं बंतोली और आज हम लोग नाइट में यहीं पर स्टे करने वाले हैं और कल मॉर्निंग में यहीं से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये देखिए मैगी, और इसमें मतलब पुदीना वगैरह सब पड़ा हुआ है। ये है बिस भैया, तो अगर कभी भी यहाँ पर आ रहे हो तो यहीं पर आप रुक सकते हो। और ये देखिए बंतोली लोअर बंतोली। ये जो भैया हैं बिस्ट भैया, इनका यहाँ पर खाने के लिए उन्होंने बनाया हुआ, यहाँ पर खाना वाना मिलता है। और इसके बगल में ही बिल्कुल यहाँ पे रूम्स हैं, तो अब चलते हैं रूम्स की तरफ और चलिए आपको दिखाता हूँ। वो देखिए, वो सामने जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, 600-800 रुपीज़ में आपको रूम मिल जाता है, जिसमें आप 3-4 लोग आराम से इजीली सेट हो सकते हो। ये देखिए, ये है रूम।